और क्या हाल चाल है मेरे शहरों को, कुछ बढ़िया ना दोस्त। आज हो चुका है अपने टेक न्यूज वाले एपिसोड का 50वां एपिसोड। जी हाँ, हमने हाफ सेंचुरी कर लिया है आपके मेहरबानी से, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं हो पाया वो अलग बात है, कोई बात नहीं। मैं वापस से आ चुका हूं आपके स्मार्टफोन में गर्मा गर्म बिल्कुल वाले टेक न्यूज लेके। तो अगर फालतू कोई काम कर रहे थे उसको साइड में रखो, टेक न्यूज देख लो, बहुत मजेदार टेक न्यूज है आज वाला, सही में बता रहा हूं। तो स्टार्ट करें। तो कल था 19 जनवरी और मतलब पूरी पृथ्वी से ऐसा खबर आ रहा था कि भैया पबजी कल लॉन्च हो जाएगा। घंटा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि साफ साफ आपको बताऊं ना, अभी रिसेंटली तो पबजी कुछ नहीं करने वाला, मतलब मुझे तो नहीं ऐसा लगता। दूसरी टेक न्यूज की बात करूं तो वो आता है वीवो की तरफ से। ये कैसा चीज है जो भी है, तो वीवो की तरफ से वीवो का जो X60 Pro या फिर प्लस, क्या था, प्रो प्लस वाला वेरियंट का हाँ थोड़ा सा देखा। अब ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ओब्वियसली कैमरा लुक्स के मामले में तो ये स्मार्टफोन तगड़ा होने ही वाला है, उसके साथ प्रोसेसर भी भयंकर वाला दिया गया है। 21st of January को ये स्मार्टफोन चाइना में हो जाएगा लॉन्च, उसके बाद थोड़े ही दिनों में इंडिया में भी ये स्मार्टफोन आ जाएगा। अच्छा, रियलमी की तरफ से ऐसा खबर आ रहा है कि रियलमी के 8 सीरीज का एक स्मार्टफोन का या किस चीज का मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बैटरी लिस्ट हो चुका है अपने इंडियन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। X7 ड्यू है, V15 ड्यू है और ये लोग और बैटरी, मतलब क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चला। ओके, तो ये वाला टेक न्यूज होता है बहुत ज्यादा गर्म वाला एक टेक न्यूज, तो ध्यान से सुनना। व्हाट्सएप की तरफ से ऐसा खबर आ रहा है। जी हाँ, मतलब पिछले वाले टेक न्यूज में मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप के ऊपर एक पेटिशन फाइल कर दिया गया है कि वो कुछ डेटा वगैरह चोरी वगैरह करता है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने एकदम सीधे सीधे बता भी दिया था कि आपके पास तो ऑप्शंस है, आप दूसरे एप्स में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अभी ऐसा खबर आ रहा है कि मेटी जो है, जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ नाम भूल गया, तो मेटी ने व्हाट्सएप के CEO को डायरेक्ट एक लेटर लिख दिया कि आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का ये लफड़ा चल रहा है ना, उसको हटाओ जल्दी, वरना हम, मतलब इंडिया आपका सबसे बड़ा वाला मार्केट है और अगर आप यहां पे ये सब प्राइवेसी लॉ वगैरह का झमेला रखोगे ना, तो दोस्तों वू या फिर VU, ओ ऐसा कोई ब्रांड का नाम आपने सुना है पहले, मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। जो भी है, तो वू की तरफ से 2 स्मार्ट टीवीज लॉन्च कर दिया गया है अपने इंडिया में। जी हाँ, एक 55 वॉट का है, एक 55 इंच का है, दूसरा 65 इंच का है। दोनों के दोनों टीवीज ही 4K टीवीज है। यहाँ पे 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस वगैरह मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी कि नॉर्मली जो स्मार्ट टीवीज वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको जो ऑडियो सिस्टम होता है वो मिलता है कुछ 20-30 वॉट का, लेकिन यहाँ पे आपको 100 वॉट का ऑडियो सिस्टम दिया जा रहा है, वो भी कितने प्राइसिंग में, 49,000 में। दोस्त ROG 5 फोन का एक लीक्ड फोटो मैंने आपको दिखाया था, तो वो फोटो के अलावा एक वीडियो भी आपको आज दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कुछ ऐसा था और यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है कि ROG स्मार्टफोन के पीछे वाले में, मतलब पीछे वाले साइड में आपको और एक स्क्रीन मिलेगा। डुअल स्क्रीन का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन दिखाया जा रहा है जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह और भी छोटे मोटे कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी S21 सीरीज लॉन्च हो चुका है, आपको तो पता ही है, लेकिन अभी S20 सीरीज का क्या, क्योंकि S21 में जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बाद तो S20 की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, तो प्राइस कट वगैरह तो अभी चल रहा है, मतलब स्टॉक खत्म करे ये लोग, उसके बाद कहा जा रहा है कि S20 सीरीज को डिसकंटिन्यू किया जाएगा अपने इंडिया में, अब नहीं बनाया जाएगा S20 सीरीज। तो अगर लेना है तो जल्दी ले लो, कम प्राइस में ये लोग दे रहे हैं। वैसे सेल भी चल रहा है फ्लिपकार्ट अमेजोन का, तो वहां पे भी ले सकते हैं। दोस्तों BIS सर्टिफिकेशन में और एक स्मार्टफोन आने वाला है, वो भी Xiaomi की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं Redmi के Note 10 Pro की, और ये स्मार्टफोन 2-3 हफ्तों में तो ऑब्वियसली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, मजा आएगा। नमस्कार। एड्स, जिंदगी एड से क्या करे, एड्स तो आएगा ही, मतलब कोई लगा नहीं रहा तो मैंने ही लगा दिया। तो अभी तक वीडियो देखे हो, कैसा लगा? अगर पसंद आया तो ये वाले अग्नि को थोड़ा सा कष्ट देके लाइक मार दो, और अगर बहुत पसंद आया, मतलब बहुत, तो सब्सक्राइब मारना तो बनता ही है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो। वैसे हमारी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो प्लीज कर दो। ओके, रेडमी की तरफ से K40 सीरीज जो बहुत दिनों से चुल मचा रहा था,
वो तो ऑब्वियसली चाइना में लॉन्च होएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइसिंग के साथ लॉन्च होएगा। जी हाँ, इसके अंदर पहले तो आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला एक प्रोसेसर मिलेगा, उसके साथ इसका प्राइसिंग कुछ 2999 युआन रखा गया है, मतलब इंडियन मनी में कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 33,000-34,000 के आसपास, कुछ उससे थोड़ा सा कम ही। अगर 35,000 के अंदर भी ये स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन इंडिया में आ जाता है ना, मुझे कुछ बोलना नहीं, आप खुद समझ जाओ। तो बस दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मैंने आपको पहले बता दिया, तो